सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से बुरा होगा। लॉरेंस विश्रोई गैंग के नाम से सुपरस्टार को फिर मिली धमकी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान से गैंगस्टर लॉरेंस विश्रोई की दुश्मनी बहुत पुरानी है और हाल ही में हुई घटनाओं के बाद ये मामला और भी गंभीर होता नजर आ रहा है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान की सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। बाबा सिद्दीकी सलमान के दोस्त भी थे और कई बॉलीवुड सेलेब्स के साथ उनकी गहरी दोस्ती थी। इस बीच अब मुंबई ट्रैफिक पुलिस को सलमान खान के नाम का धमकी भरा मैसेज मिला है। मैसेज करने वाले ने खुद को लॉरेंस विश्रोई गैंग का करीबी बताया है। मुंबई की ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर ये धमकी भरा मैसेज मिला है। इसमें एक्टर सलमान खान से लॉरेंस विश्रोई के साथ लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी को खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। मैसेज में ये भी लिखा है कि इसको हल्के में ना लें वरना सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। इस मामले की जांच मुंबई पुलिस से शुरू कर दी है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने सलमान की हत्या की साजिश रचने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। बुधवार को एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक आरोपी को हरियाणा के पानीपत से अरेस्ट किया गया है। शख्स का नाम सुखा है, वो विश्रोई गैंग का शार्प शूटर है और उसे नवी मुंबई लाया गया है। गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाना है। जानकारी के अनुसार मुंबई पुलिस और हरियाणा पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में लॉरेंस विश्रोई के इस शार्प शूटर को पानीपत से गिरफ्तार किया था। सुखा ने साल 2022 में लॉरेंस और गोल्डी बरार के इशारे पर मुंबई में सलमान खान के पनवेल वाले फार्म हाउस की रेकी की थी। रेकी के बाद सलमान पर अटैक सुखा को ही करना था लेकिन उसका प्लान फेल हो गया था। विश्रोई के शूटरों ने साल 2022 में सलमान को मारने के लिए फार्म हाउस की कई बार रेकी की थी लेकिन हमले का प्लान फेल हो गया था। शूटरों ने फार्म हाउस के गार्ड तक से दोस्ती कर ली थी। इस साल की शुरुआत में सलमान ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि उन्हें अपने घर के बाहर हमला करने के लिए लॉरेंस विश्रोई गैंग पर शक है और ये काम उन्हें और उनके परिवार में लोगों की हत्या के इरादे से किया गया है। सलमान का बयान उस चार्जशीट का हिस्सा है जो पुलिस ने इस मामले में फाइल की है। सलमान ने बताया था कि जनवरी 2024 में दो अज्ञात लोगों ने नकली आइडेंटिटी के जरिए पनवेल के पास उनके फार्म हाउस में घुसने की कोशिश की थी।